शहर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीताबर्डी क्षेत्र में 3 आरोपियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम शुभम संजकुच लोक पांतावनी सेवाग्राम हुगले लेआउट वर्धा प्रणय दिनकर राव येरपुड़े संघ बिल्डिंग धर्माधिकारी लाइन महाल और मनमोहन नरेश मदान उम्र 21 जामदार गली संघ बिल्डिंग के पास महल नागपुर निवासी है। आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मोबाइल आईफोन सहित करीब 86,900 रुपए का माल जब्त किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके लालची लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 1,200 रुपए में मिलने वाली इस इंजेक्शन को कोई 35,000 रुपए में कैसे बेच सकता है। अब भी सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनके परिजन इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, अस्पताल स्टॉक नहीं है कहकर हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे में कालाबाजारी करने वाले माल कमा रहे हैं। मंगलवार की रात DCP जोन 4 अक्षय शिंदे की विशेष दस्ते को पक्की खबर मिली कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। शिंदे ने बिना समय गवाए पुलिस दस्ते को कार्रवाई के लिए रवाना किया और 3 युवक पुलिस के हाथ लगे। उनसे 2 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में सेवाग्राम हुगले लेआउट निवासी शुभम संजय पांतावनी, धर्मकारी लाइन महल निवासी प्रणय दिनकर राव येरपुड़े और जामदार गली महल निवासी मनमोहन नरेश मदन का समावेश है। ये अभी जो सिचुएशन चालू है कोरोना का बढ़ता प्रकोप जो है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बहुत लोग इधर उधर घूम रहे हैं, रेमडेसिविर मार्केट में नहीं मिल रहा। इस सिलसिले में ये नागपुर के झोलपुर के जो ऑफिसर है PSI कुरेवाड़, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लोकमत बिल्डिंग के यहाँ पे कुछ 2-3 लोग ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़े भाव से या कालाबाजारी करने के लिए एक इंजेक्शन 35,000 में बेचने के लिए आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में वहाँ पे ट्रैप अरेंज किया था और ट्रैप अरेंज करके तीनों को जगह पे ही पकड़ा और उनको सर्च लिया तो उसमें 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल गए। वो इमीडिएट ताबे में लेके यहाँ बर्डी पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट ऑफेंस दाखिल किया है। इसमें 2 रेमडेसिविर हमको उनके पास से मिले। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है। इसमें मेन एक्यूज जो है शुभम करके, वो एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है, तो ऐसा संशय है कि वहाँ से उसने चुरा के ये बड़े भाव से ये बेचने के लिए लाए थे। ऐसा अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके पहले इन्होंने कुछ इंजेक्शन बेचे है या और कुछ है उनके पास या और कहाँ पर छुपा के रखे, इसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। शुभम धनतौली के न्यूरॉन अस्पताल में वार्ड बॉय है और रामदासपेट परिसर में रहता है। प्रणय और मनमोहन BBA का शिक्षण ले रहे हैं। प्रणय की परिचित युवती को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, उसने प्रणय से मदद मांगी। प्रणय ने एक दवा विक्रेता से संपर्क किया, उसने शुभम का नंबर दिया। शुभम ने 35,000 रुपए में एक इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की जानकारी दी। रात 11 बजे के दौरान उसने प्रणय को जनता चौक के समीप बुलाया। इसी दौरान पुलिस को कालाबाजारी की जानकारी मिली। सब इंस्पेक्टर महेश कुरेवार, हेड कांस्टेबल अजय यादव, चंद्रशेखर फिस्की और सचिन चौधरी ने वहां जाल बिछा लिया। जैसे ही पैसे और इंजेक्शन का लेन देन हुआ, पुलिस ने तीनों को दबोच लिया और 2 इंजेक्शन जब्त किए। आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें सीताबर्डी पुलिस के हवाले किया गया। सीताबर्डी पुलिस ने एक दिन का PCR हासिल कर तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।